Hello students, here we are discussing question 26 of KVVY SA question paper which was held in 2016. Let's observe what this question says. A hollow lens is made of thin glass and in the shape of double concave lens. It can be filled with air, water of refractive index 1.33 or CS2, carbon disulfide of refractive index 1.6. It will act as a diverging lens. If it is, okay? So basically, हमसे बोला क्या गया है? हमसे बोला ये गया है कि एक हमारे पास थिन ग्लास से बना हुआ एक कंकेव लेंस प्रेजेंट है, ठीक है? एंड मुझे इसे एक डाइवर्जिंग लेंस बनाना है. डाइवर्जिंग लेंस मतलब कि जिसमें लाइट रे अवे फ्रॉम दी प्रिंसिपल एक्सिस डेविएट हो, राइट? सो मुझे एक ऐसा लेंस प्रिपेयर करना है. अब ऐसे लेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल N1 इज दी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटर मटेरियल दोनों तरफ, राइट, एंड N2 इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द इनर मटेरियल, देन डाइवर्जिंग लेंस एक कंकेव लेंस का शेप तभी बना सकता है जब N2 की वैल्यू N1 से हमेशा ज़्यादा हो. सो बेसिकली गिवन ऑप्शंस में हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें इनर फील्ड मटेरियल की जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो जो सराउंडिंग मटेरियल है, इमर्ज मटेरियल है, उससे ज़्यादा हो, राइट? सो केस वन के अंदर फील्ड मटेरियल एयर है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है एंड इमर्स्ड मटेरियल यहाँ पर वाटर है, राइट? सो यहाँ पर वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, राइट? सो आप देख सकते हैं फील्ड मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में N2 इज लेस देन N1, राइट? केस नंबर 2, फील्ड मटीरियल इज वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड इमर्ज मटीरियल इज CS2, राइट? अगेन यहाँ पर N2 इज लेस देन N1. थर्ड केस, फील्ड मटीरियल इज एयर एंड द आउटर मटीरियल इज CS2, अगेन N2 इज लेस देन N1, राइट? लास्ट में CS2 इज द फील्ड मटीरियल एंड इमर्स्ड इन वाटर. दिस इज द ओनली केस जहाँ पर N1 इज लेस देन N2, राइट? And this is our correct case. So option D becomes the correct answer. Option D is the only correct answer. Okay. So I hope आप सभी को समझ में आया होगा कि इस question को address कैसे करना था. And वेदांत इकलव्य के बारे में आप Google पर search कर सकते हैं. Best of luck.